पापा मुझे कॉलेज जाने दे, मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज जा रही हैं, मुझे ही नहीं जाने दे रहे आप। वो सैयदजादी एक अजीम घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की अम्मारा पापा से जिद लगाए बैठी थी। पापा जाने देना कॉलेज मुझे, पापा ने प्यार से समझाया, बेटी मुझे डर लगता है आजकल के ज़माने से, मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे लोगों से डर लगता है। मेरी बच्ची मुझे अल्लाह पे भी भरोसा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि किसी इम्तिहान से गुजर सकूं। अम्मारा उदासी में बोली, बाबा आप यकीन करें आपकी अम्मारा कुछ गलत नहीं करेगी। माँ पास बैठी थी अम्मारा के सर पे हाथ रखा, ये सैयदजादी है और सैयदजादी कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती। माँ ने बाबा से कहा, मान जाए, जाने दे कॉलेज, बेटी पढ़ना चाहती है, आजकल अनपढ़ की क्या जिंदगी है भला, जो पढ़ लिख कर कम से कम अच्छे बुरे का लिहाज जान पाएगी। बाप ने छोटी बेटी जैनब की तरफ देखा, फिर अम्मारा से बोला, बेटी तुम्हारी छोटी बहन भी कल को कॉलेज पढ़ना चाहेगी, तुम साबित करना कि कैसे खुद को संभाल कर रखोगी जमाने की फ्रेब निगाहों से। अम्मारा ने पापा से वादा किया, पापा जान आपके अम्मारा आपका मान नहीं तोड़ेगी, यकीन रखें मुझ पे। पापा दूसरे दिन साथ गए, जिस कॉलेज में सब सहेलियां थीं उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बहुत खुश थी, जैसे उड़ान के लिए पर निकल आए हूं। पढ़ना चाहती थी, ख्वाब था पढ़ना लिखना। अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, एक दोस्त बोली, अम्मारा हमको तो लगा था तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे कॉलेज आने के लिए। अम्मारा मुस्कुराने लगी, यार हम सैयद लोग बहुत सख्त होते हैं, हम लड़कियों को यूं इतनी आज़ादी नहीं देते। जानती हो मेरे बाबा के साथ मेरे चाचू लोगों ने कितना झगड़ा किया मेरे कॉलेज आने पे। वो बाबा से कह रहे थे, अम्मारा को पढ़ाना है तो किसी मदरसा में पढ़ाएं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे डॉक्टर बनना है हर हाल में। अम्मारा की चमकती आंखों में वो ख्वाब जिंदा था। सब फ्रेंड्स बिना नकाब के कॉलेज आती थी, लेकिन अम्मारा क्लासरूम हो या कॉलेज की कैंटीन, वो चेहरा ढांपे नकाब में होती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी। सब दोस्त कहती थी, अम्मारा यहाँ सब लड़कियां हैं, फिर तुम पर्दा क्यों करती हो। अम्मारा कहती, यहाँ मर्द टीचर्स भी तो है ना, मैं उनसे भी पर्दा करती हूँ। एक दोस्त मजाक उड़ाने लगी, यार अम्मारा अब तुम इतनी भी ना बनो, सर से पर्दा करो, वो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने खा नहीं लेना तुमको। लेकिन अम्मारा कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाने नहीं चाहती थी। वो मुस्कुराकर कहा करती थी, मैं किसी सैयदजादे की अमानत हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहती मुझे सैयदजादे के सिवा कोई देखे। सब दोस्त स्कूल से एक साथ थी, पापा छोड़ने आते थे कॉलेज और लेने भी पापा ही आते थे। अम्मारा बहुत शरारती सी थी, घर में तो वो हर किसी के साथ शरारत करती, कभी बहनों को सताती, कभी भाई से झगड़ती, लाडली सी भी थी, हर ख्वाहिश हर बात मनवा लेती थी अपनी, चाहे रोकर या जिद करके। आज क्लास में नए सर आए थे, चेहरे से बहुत खूबसूरत, नीली सी आंखें, हल्के घुंघराले से बाल, गंदमी रंग, देखने वाले की आंखें दीवानगी में झूमने लगती थीं। क्लासरूम में दाखिल हुए, उम्र कोई 30 साल होगी, लेकिन जिस्म की बनावट ऐसी थी कि 20 साल के लगते थे। क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, सब स्टूडेंट्स ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए बैठ जाने का इशारा करने लगे। सब लड़कियां अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गईं। मेरा नाम फरहान अब्बास है, मैं आप लोगों का नया साइंस टीचर हूँ, आज के बाद आपको साइंस मैं पढ़ाया करूँगा। उसका मुस्कुराकर बात करना, बात करते हुए आंखों में देखना, सर फरहान कोई दूसरी दुनिया से आए खूबसूरत शहजादे लगते थे। फरहान सर सबकी तरफ देखकर बात करते, लेकिन जब नज़र अम्मारा पर पड़ी तो हैरान थे। अम्मारा आप क्लासरूम में भी नकाब पहने हुए, ऐसा क्यों भला। अम्मारा धीमे से बोली, सर मैं पर्दा करती हूँ। सर फरहान हंसने लगे, बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से पर्दा करती हो। अम्मारा बोली, नहीं सर आपसे पर्दा करती हूँ। सर फरहान मुस्कुराए, माशाल्लाह आप बहुत बाहया लगती हैं मुझे। अम्मारा की आंखों में देखने लगे, कुछ पल आंखों में देखा, अम्मारा ने आंखें झुका ली, अम्मारा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए अम्मारा की आंखों में कहीं खो से जाते थे, थे तो दोनों ही हम उम्र, बस कुछ साल का फर्क होगा। अम्मारा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा लगता, सर सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं। अम्मारा की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक थी, कोई भी अम्मारा की आंखों में डूब सकता था। गजाल आंखों में एक अजीब कशिश थी। अम्मारा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग जरूर बोलते थे,
सरफरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच ना सका था। सरफरहान पढ़ाते हुए ना जाने क्यों अमारा के करीब जाकर खड़े हो जाते थे। अमारा ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ रही थी सरफरहान को। फरहान शायद आंखों का दीवाना हो गया था या अमारा को देखने की तड़प थी। सरफरहान ने बहुत कोशिश की थी कहीं एक बार अमारा अपना चेहरा दिखाए, लेकिन ऐसा मौका कभी ना आया था। एक साल गुजर गया था, सरफरहान पढ़ा रहे थे उनको, इम्तिहानात हुए, आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर गई थी। अमारा जल्दी से तैयार होकर आंखों में काजल लगाकर आज नीले रंग का हिजाब किया कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची, सरफरहान मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे, अमारा को देखा और दिल पे हाथ रखा। अमारा के पास आए, अमारा आज तो बिना हिजाब के आ जाती आप। अमारा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। फरहान खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया, अमारा दूसरी पोजीशन पे आई थी, बहुत खुश थी। सर फरहान पास आए, हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए, मुबारक हो अमारा। अमारा ने हाथ की तरफ देखा, सर खैर मुबारक, सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकती। फरहान अमारा की इन अदाओं पे मर मिटा था। एक तरफ देखा वो बिना हिजाब बिना दुपट्टे की लड़कियों के, फिर अमारा की उस मासूमियत और पर्देदारी पर कुर्बान हो गया। फरहान दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था अमारा से। कहने को ये गलत था, निगाहे जमाना में ये गुनाह था, एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। लेकिन तकदीर के खेल से कौन वाकिफ है भला, कौन जानता है किस्मत कब कहां कैसे मिला दे। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं, सिर्फ मंजिल खुदा लिखता है। हम सिर्फ रास्ते पे चलते हैं, मंजिल तक जाना किस्मत की बात होती है। फरहान अमारा से मोहब्बत करने लगा था। अमारा की वो खट्टी मीठी सी बातें, अमारा की आंखें जो खामोश रहकर भी कयामत थी। फरहान अमारा को अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन डरता था। फिर एक दिन अमारा के दोस्त से बात की, अमारा के बारे पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर अमारा सैयदजादी है, वो ऐसे कामों से बहुत दूर है, वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर फरहान समझ गए थे, इतनी बाहया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। लेकिन आखिर मामला दिल का था, दिमाग कहता था दूर रहो अमारा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जा। अमारा समझ रही थी फरहान सर उससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके फरहान सर से कहने लगी, सर प्लीज मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी दोस्त निमरा ने मुझे सब बता दिया था। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, प्लीज़ मेरा फ्यूचर मेरी इज्जत ख़राब ना करें। सर फरहान खामोश, धड़कनें बेकाबू थी। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। इतना कहकर जाने लगी कि सर फरहान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ही था कि जोरदार थप्पड़ दे मारा अमारा ने। अमारा की आंखें सुर्ख हो गई थी। सर मैं आपकी कंप्लेन करूँगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। फरहान सर बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का था, आंखों में आंसू थे, कांपती आवाज में बोले, अमारा मेरी मोहब्बत पाक है, मैं तुमको चाहने लगा हूं तो मेरा क्या कसूर है। अमारा मेरी जान भी निकल जाए ना तो भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अमारा गुस्से में थी, अपनी औकात में रहें सर, फरहान ने गुस्से में कहा। आपको मेरा छूना अच्छा नहीं ना लगा था, मैं खुद को इसकी सजा दूंगा। ये कहकर सर फरहान चले गए। अमारा डर गई थी, वो पापा को सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन कॉलेज आई, सर फरहान हाथ पे पट्टी बांधे क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, पढ़ाने लगे। अमारा देख रही थी, सर ने हाथ पे पट्टी बांधी है, कल कह रहे थे जिस हाथ से आपको छुआ है सजा दूंगा खुद को। अमारा का दिल धड़कना भूल रहा था, सर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया। क्लास खत्म हुई, सब लड़कियां क्लास से बाहर चली गई थी। सर फरहान रजिस्टर पर कुछ लिखने लगे, अमारा पास आई, सर हाथ पे क्या हुआ। फरहान मुस्कुराने लगा, कहा था ना आपको छूने की सजा दूंगा खुद को, जलाया है हाथ को। अमारा ने हाथ पे हाथ रखा, सर ना करें ऐसा, रुक जाएं, ना करें मजबूर मुझे, मैं नहीं करना चाहती मोहब्बत। फरहान ने अमारा की आंखों में देखा, सर मैं ही क्यों। फरहान मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्योंकि दिल ने आपको तस्लीम कर लिया है और जिसको दिल कबूल कर ले फिर जान तो निकल सकती है, लेकिन इसके बिना जीना मुमकिन नहीं रहता।
अमारा घर आई, सारी रात ना सो सकी। सरफरहान के बारे सोचती रही, दिल जवान था, कुछ जंजीरों को मोहब्बत खुद तोड़ देती है। अमारा ना चाहते हुए भी फरहान को सोचने लगी थी और कहीं ना कहीं चाहने भी लगी थी। फरहान की बेपनाह मोहब्बत अमारा को अपने करीब ला रही थी। अमारा ने कागज पर लिखा, सर मैं कल रात सो ना सकी थी, ना जाने क्यों मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा था। सर कोई ताकत मुझे आपकी याद से निकलने ही नहीं दे रही थी। फरहान सर, ये मेरा फोन नंबर है। अमारा ना चाहते हुए फरहान के सामने हार गई थी। फरहान अच्छा नेक दिल लड़का था। अमारा मोहब्बत में सब भूल गई थी, और कहते हैं मोहब्बत में अपना वजूद जब भूल जाओ तो समझ लेना मोहब्बत सच्ची है। अमारा सो रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अमारा बहुत याद आ रही है आपकी। अमारा समझ गई थी सर फरहान का मैसेज है, जल्दी से रिप्लाई किया, सर सो जाएं, टाइम देखें 1 बज रहा है। फरहान प्यार से, नहीं आ रही ना नींद, जब आंखें बंद करता हूं तुम्हारी आंखें सामने सामने आ जाती हैं, इनमें डूब जाता हूं। अमारा तुम इतनी प्यारी क्यों हो? अमारा मुस्कुराने लगी, ये कैसा सवाल है भला, आपने मुझे देखा कब है? फरहान कहने लगा, अमारा मेरी मोहब्बत भी तो देख लो ना, बिना देखे तुमको चाहने लगा हूं। वो सारी रात बात करते रहे, सुबह कॉलेज आए, आंखें नींद से सुरख थी, मोहब्बत बढ़ने लगी, एक दूसरे की आदत होते होते एक दूसरे की सांस बन गए। वो सैयदजादी जो मोहब्बत के नाम से भागती थी, वो मोहब्बत में सर झुकाए बैठी थी। फरहान आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? फरहान गुस्से से बोला, अमारा छोड़ना होता तो प्यार क्यों करता, तुमको जन्नत तक साथ लेकर जाऊंगा। अमारा धीमे से बोली, फरहान मुझे आजकल की मोहब्बत से डर लगता है, लोग खेलते हैं फिर फेंक जाते हैं मरने के लिए। फरहान उदासी में बोला, मेरी जान तुम्हारा फरहान ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अमारा मोहब्बत भरे लहजे में, मुझे यकीन है आप पे फरहान, आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। अमारा सबसे छुपकर मोहब्बत में डूबती जा रही थी। आज कॉलेज आई, हिजाब में थी, कैंटीन पे आई, फरहान पास आया, अमारा बात सुनो, क्लासरूम में कोई नहीं था, अमारा मुझे तुमको देखना है। अमारा मुस्कुराने लगी, फरहान बस करें, कोई नहीं देखना, शादी के बाद देख लेना। फरहान ने हाथ पकड़ा, अमारा जिद ना करो मेरी जान, उतारो ना नकाब। अमारा तंग कर रही थी फरहान को, फिर नकाब उतारा। पहली बार फरहान देख रहा था अमारा का चेहरा, पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। अमारा बेपनाह खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत के लिखते हुए कलम भी इसकी आशिक हो जाए, उसके कदमों में सजदा करे। फरहान ने दिल पे हाथ रखा, मेरी जान आई लव यू। अमारा ने आई लव यू टू बोला, बस देख लिया आ गया सुकून। फरहान बहुत खुश था, अमारा फरहान आपके बिना अब नहीं जी सकेगा। मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। फरहान शादी के बाद हम उम्रा करने चलेंगे, मेरा ख्वाब है मैं आपके साथ उम्रा करने जाऊंगी। मोहब्बत उरूज पे थी, पागलों की तरह चाहने लगी थी अमारा फरहान को। फरहान की हर बात को सर खम किए कबूल कर लेती, फरहान के साथ हंसती, फरहान के जीने लगी। एक दिन फरहान कहने लगा, अमारा क्या आपके घर वाले एक शिया लड़के को कबूल करेंगे? अमारा मुस्कुराने लगी, मेरी जान घर वाले ना करें, मैं तो करूंगी ना, मैं सुन्नी छोड़कर शिया हो जाऊंगी आपके लिए फरहान। फरहान तुम जैसा चाहोगे मैं करूंगी, बस फरहान मुझे छोड़कर ना जाना। फरहान अमारा के दामन पे अपनी मोहब्बत का दाग लगाने लगा, अमारा से निकाह करने की कस्में खाने लगा। अमारा भी उसके वादों पे सर झुकाती रही, सबसे छुपकर वो सुन्नी से शिया भी हो गई, फरहान के लिए शिया हो गई। फरहान मेरी जान अब तुमको मैं कबूल हूं ना? फरहान ने जिस्म को भी पाक ना रहने दिया था अमारा का। अमारा ने कॉलेज आकर कहा, फरहान अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज आप अपने मामा पापा को भेजे मेरे घर। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास आओ, मेरे सीने से लग जाओ, भेजूंगा मेरी जान, फिक्र ना करो। कुछ दिन गुजरे, कॉलेज में छुट्टियां थीं, अमारा सो रही थी, एक मैसेज आया, अमारा मुझे माफ करना, मेरी माँ फौत हो गई है और मरते हुए वसीयत है उनकी, मैं लंदन वाली खाला की बेटी से शादी करूं, मैं अपनी माँ को वादा दे चुका हूँ मैं अब कॉलेज भी नहीं आया करूँगा, कुछ दिन बाद लंदन चला जाऊँगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये मैसेज पढ़कर अमारा को लगा मजाक कर रहा है फरहान। फरहान को रिप्लाई मैसेज किया, अच्छा करूँगी माफ, फिर सो गई। सुबह उठी, देखा मैसेज अभी तक देखा नहीं था फरहान ने। अमारा परेशान हो गई, धड़कनें बढ़ने लगीं, नंबर मिलाया नंबर बंद था। फरहान कहाँ हो तुम,
दिन भर बेचैनी में कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी किताबें खोलकर बैठ जाती, कभी उदासी में फरहान को आवाज देती। दो दिन चार फरहान का नंबर बंद था, कॉलिंग करती रही, नंबर बंद था। कॉलेज खुल गया, छुट्टियां खत्म हुई, कॉलेज गई, फरहान को नहीं छोड़ूंगी, नंबर बंद करके कहां चला गया। लेकिन फरहान कॉलेज नहीं आया था। पता चला सर फरहान ने लंदन अपनी कजन से शादी कर ली है, वो लंदन चले गए हैं। अमारा ने अपना नकाब उतार दिया। आज सब अमारा की तरफ देख रहे थे। दोस्त पहली बार यूं अमारा ने नकाब उतारा था। खामोशी हो चुकी थी। घर गई, कमरे में लाइट बंद करके बैठ गई। फरहान, मोहब्बत के नाम पे मुझे बर्बाद कर गए हो। फरहान, क्या बिगाड़ा था आपका मैंने, इतना पास लाकर छोड़ गए हो। कोई आंसू ना बहाती थी, बिल्कुल खामोश हो गई। खाना पीना छोड़ दिया, मेरा दामन दागदार कर दिया फरहान तुमने। माँ बाप परेशान होने लगे, आखिर हुआ क्या है अमारा को। डॉक्टर्स के पास ले गए, पीर फकीर हर जगह लेकर गए, लेकिन अमारा खामोश, बस नजरें झुकाए। माँ सीने से लगाकर रोने लगी, मेरी बच्ची बता तो सही हुआ क्या है, कौन सा दर्द दिल पे लगाए बैठी हो। अमारा की आंखों में आंसू थे, होंठ खुश्क हो चुके थे, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। वो किसी की वक्त गुजारी की सजा भुगत रही थी। किसी ने मोहब्बत के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, किसी ने ख्वाब दिखाकर जिस्म नोच लिया, किसी ने अपनी हवस के लिए बापरदा हूर को दागदार किया। अमारा खामोश थी, सांस रुकने लगी। माँ बाप डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया, सॉरी शी इज नो मोर, ये मर चुकी है। अमारा की आंखें खुली थी, एक आंसू आंख से मरकर भी छलका था, जो चीख चीख कर कह रहा था, ऐ मोहब्बत के नाम पे हाथ थाम कर छोड़ने वालों, किसी को जिंदगी का हसीन ख्वाब दिखाकर मुकरने वालों, जज्बात से खेलने वालों, कितनी आसानी से जिस्म से खेलकर छोड़ जाते हो। जानते हो, कोई फना हो जाता है किसी की बेवफाई पे, वो चाहे मोहब्बत में की जाए या निकाह करके तलाक देकर। अगर कोई मर्द किसी से मोहब्बत करता है या तलाक देना चाहता है, खुदा का वास्ता है, किसी लड़की को अपनी हवस की दरिंदगी के बाद छोड़ जाना हुआ तो याद रखना, अल्लाह देख रहा है। तुम किसी के कातिल बनकर जी सकोगे ये भूल जाना, या मोहब्बत करना छोड़ दो, या फिर मोहब्बत में बेवफाई। कोई हमारा आपकी मोहब्बत पे इतबार कर ले तो इसका मतलब वो बदचलन नहीं, बल्कि वो तुमको वफादार इंसान समझती है। तुम जिस्म से खेलकर राहें बदल जाओ तो बदचलन कोई लड़की नहीं, बदबख्त तुम दरिंदे हो। अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो रुक जाओ, सच बताकर दरिंदा बनने से बच, किसी को मौत से बचा लो। तुम्हारी वक्त गुजारी पे तुम क्या जानो, कोई जिंदगी भर अंधेरी रातों में छुप छुप कर रोता होगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।